आप ही नहीं कीजिएगा, एक साथ। बड़ी बात यह होती है दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे आपके घरों में, हमारे आपके जंगलों में ये सांप दोस्तों निकलते हैं। अरे भागिए, चलिए आप देख लीजिए, एक साथ इतने बड़े बड़े सांप भाग रहे हैं। ये दोस्तों भारतीय नाग काफ़ी जहरीला होता है, वैसे ये जो है काफ़ी भारी भरकम का मोटा ताज़ा सांप होता है। बगैर दोस्तों दबे, बगैर किसी छेड़छाड़ की किसी को भी नुकसान ये नहीं पहुंचाता। इनको आप देख सकते हैं, इनकी लंबाई जो होती है लगभग वो 220 सेंटीमीटर के साथ साथ 5 से 6 फीट के आसपास पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम यहीं पर छोड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। और इस समय दोस्तों इंसान जो है इसको भी बचाने का कार्य कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो मारते नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों एक अंधविश्वास है भारत में कि सांप के काटने के बाद लोग जड़ी बूटी झाड़ फूक तंत्र मंत्र के चक्कर में जाते हैं, जहां पर उनके प्राण बच नहीं पाते हैं। चलिए दोस्तों, मैं इसको यहीं पर थोड़ा ऊंचाई की दिशा में मैं इनको रिलीज करता हूँ। चलिए देखते हैं दोस्तों ये किस तरफ जाते हैं, इस तरफ से जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, जिस जंगल में हम आए हैं इन मेजबानों को रिलीज करने के लिए, बहुत ही बड़ा सा जंगल है। वहाँ पर दोस्तों आप एक देख सकते हैं ये किस जानवर की हड्डियाँ वहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं दोस्तों। इस हड्डी को आप देख सकते हैं, किस जानवर की हड्डी है ये। और यहाँ पर भी दोस्तों, आइए आपको करीब से दिखाते हैं जहाँ पर ऐसे सांपों को रिलीज किया जाता है। ये दोस्तों आप देख लीजिए, ये बड़े से बड़े जानवरों के उनके हड्डी हैं, उनके कंकाल तंत्र हैं ये दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों ऐसे जंगलों में इन बेजबानों को रिलीज़ किया जाता है। और ये दोस्तों जैसे किसी की कोई जानवर मर जाते हैं या कुछ हो जाता है, तो वो जानवर यहीं पर इसी जंगलों में रहते हैं। इन्हीं जंगलों में दोस्तों बहुत सारे जीव जंतु भरे पड़े हैं। ये दोस्तों हमारा एक पर्यावरण है, हमारी ये दुनिया है। इसमें बेजबानों का रहना, बेजबानों को मरना, उनके जीवन से तमाम सारी चीज़ें जुड़ी हुई जो हैं वो एक श्रृंखला है, वो चल रही। हमारा काम है सिर्फ दोस्तों और सिर्फ जीवों को बचाना। आप इसे दोस्तों हड्डियों को देख करके आप अंदाज़ा लगाइए ये किस जानवर के हड्डी हो सकते हैं। और आगे लेके चलते हैं दोस्तों, जहाँ पर मैं आपको बेजबानों को रिलीज़ करूँगा और आपको दिखाऊँगा। इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आगे। तो चलिए एक बार फिर से एक बेजबान को लाए हैं, यहीं पर रिलीज़ करते हैं और आपको दोस्तों दिखाते हैं कि एक मंदिर से, जो हनुमान जी का मंदिर था, जो दोस्तों द्वापर त्रेता सतयुग से चला आया हमारा सनातन धर्म, उसी मंदिर में दोस्तों एक ऐसा जीव निकल चुका था जिसे हम अजगर कहते हैं। उसको दोस्तों हम रिलीज़ करने के लिए लाए हैं, रिलीज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये भी दोस्तों ये काफ़ी भारी भरकम का होता है। और इस समय इसकी लंबाई हालांकि अभी तो बहुत नहीं है, लगभग ये दोस्तों 5 से 6 फीट के आसपास का है। चलिए दोस्तों, एक साथ लाए हैं भारत के इन तमाम सांपों को। इनको आप देख के समझ सकते हैं ये काफ़ी गुस्से में एक को छोड़ दे हैं। अब ये दोस्तों धीरे धीरे अपने इसी परिवेश में, इसी मौसम में, इसकी बची हुई ज़िंदगी आराम से चैन से जी सकता है। इसको हमने रिलीज कर दिया, ये हो गया दोस्तों। ये है इंडियन कोबरा दोस्तों, इसकी आप देख सकते हैं इसके फन के पीछे, इसके दोस्तों फन के पीछे की बनावट। तो दोस्तों ये काफ़ी चंचल है क्योंकि इसको पता चल गया है कि मैं अपने परिवेश में आ चुका हूँ। थैंक यू दोस्तों, इससे भी मैं रिलीज कर दिया। दोस्तों एक घर से आप देख सकते हैं 3 सांप एक साथ निकले, नर और मादा के रूप में। दोस्तों ये तीनों एक साथ निकले हुए थे। दोस्तों आप ये देख लीजिए कितने इसमें ये गुस्से में हैं। इसके साथ जब भी कोई छेड़छाड़ होता है, कोई बदतमीजी होती है, तो ठीक उसी प्रक्रिया से ये दोस्तों। अब आप ये सोच सकते हैं दोस्तों, अगर ये 3 सांप जिसके घर में निकल जाएं
उसके क्या हस्त्र करेंगे ये। तो हालांकि दोस्तों इनको बचाना, इनको इनके पर्यावरण में रिलीज़ कर देना, ये तो जीवन के साथ साथ है ही है, लेकिन दोस्तों इनको बचाना इसलिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यहीं से हमारा पर्यावरण सेफ रहता है। दोस्तों आए दिन सांपों के काटने के बाद लोगों की जो मृत्यु होती है, यह एक जन जागरूकता है जिससे लोगों को बचाया जा सके। भारत में दोस्तों हमारे हर साल आए बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, लगभग 50 से 60 हज़ार लोगों की। थोड़ा सा